एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 18 तब देखते हैं। अ स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स विद सेंटर्स ऑल्टरनेटली एट ए एंड बी स्टार्टिंग विद सेंटर एट ए ऑफ रेडियस 0.5 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1.5 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर एज शोन इन द फिगर। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच अ स्पाइरल मेड अप ऑफ 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल्स। टोटल लेंथ ऑफ सच अ स्पाइरल मेड अप ऑफ 13 सेमी सर्कल्स टेक पाई एज 22/7। ओके, तो ये ऐसा कुछ डायग्राम हमको दिया हुआ है। यहाँ पे सेंटर ए कंसीडर करके पहला सेमी सर्कल ड्रॉ किया और इसकी जो लेंथ है रेडियस 0.5, तो जो पहला सबसे छोटा सेमी सर्कल है उसका रेडियस 0.5 सेंटीमीटर है। फिर क्या किया उन्होंने, बी को सेंटर पकड़ा और रेडियस 1 सेंटीमीटर सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिया। फिर ए को सेंटर पकड़ के रेडियस 1.5 और फिर सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिया। फिर रेडियस बी सेंटर बी पकड़ के रेडियस 2 सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिया। तो ये प्रोसेस उन्होंने 13 टाइम्स कंटिन्यू किया हुआ है। तो हमको इसकी टोटल जो लेंथ है वो निकालनी है। ठीक है, तो हम लोग भी यहाँ पे एक डायग्राम अपना ड्रॉ कर देते हैं। सो सेंटर ए कंसीडर करके एक सेमी सर्कल हमको ड्रॉ करना है। इसका जो रेडियस है दैट इज 0.5 सेंटीमीटर। तो इसका लेंथ कितना होगा, सेमी सर्कल का लेंथ क्या होता है? अच्छा, वैसे सर्कल का सर्कमफेरेंस क्या होता है? 2πr। तो ये तो हाफ है, सेमी सर्कल है, तो इसका लेंथ कितना होगा? यहाँ पे मैं लिखते जाता हूँ πr। सेमी सर्कल का जो लेंथ होता है वो होता है पाई इंटू आर, पाई इंटू 0.5। फिर ये पॉइंट है बी, अब ये 0.5 है, ये भी 0.5 होगा, ये वाला टोटल लेंथ। तो ये टोटल कितना है? 1। तो 1 रेडियस पकड़ के एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया है, तो ये भी 1। और इसकी लेंथ कितनी होगी? इसकी भी लेंथ होगी पाए इंटू आर, बट अब इसका रेडियस है 1। यहाँ तक पहुँच गए। फिर इन्होंने क्या किया है, ए को सेंटर पकड़ा और टोटल ये जो है ये रेडियस पकड़ा, तो ये 1 और 0.5 तो 1.5 रेडियस पकड़ के एक और सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिया। तो इसकी लेंथ कितनी होगी? पाए इंटू आर, अभी रेडियस कितना है? 1.5। फिर क्या किया, अब बी को सेंटर पकड़ा, बी को सेंटर पकड़ा और ये रेडियस पकड़ा, ये टोटल। तो ये टोटल कितना है? देखो ये 1 तो ये भी 1, तो ये रेडियस, ये टोटल कितना होगा? 0.5 0.5 1, दैट इज 2। तो 2 सेंटीमीटर पकड़ के एक और सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिया, तो पाए इंटू इसका रेडियस है 2। तो क्या है कि ये जो प्रोसेस है ये रन हो रहा है कितनी बार? 13 बार, 13 टाइम्स। तो हम लोग ऐसे लगा देंगे डॉट डॉट डॉट, ये है टोटल लेंथ, फाइन, एंड देर आर 13 सच टर्म्स, 13 टर्म्स। अब एक बार देखो ये कौन सा प्रोग्रेशन है। तो पाए हम लोग कॉमन निकाल देंगे, यहाँ पे आएगा 0.5, यहाँ पे 1, 1.5, 2 एंड सो ऑन। सो देर आर 13 सच टर्म्स। कौन सा प्रोग्रेशन है ये? 0.5, उसमें फिर 0.5 ऐड करो तो 1, फिर 0.5 ऐड करो तो 1.5, फिर 0.5 ऐड करो तो 2, तो 0.5 ऐड करते जाओ। सो हेयर फर्स्ट टर्म ए इज 0.5, कॉमन डिफरेंस डी इज ऑल्सो 0.5। और यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा? सम ऑफ फर्स्ट 13 टर्म्स का। सो दिस इज पाए इंटू एस 13, विच इज पाए इंटू एस 13 का फॉर्मूला क्या होगा? 13/2 इंटू 2a, ए का वैल्यू है 0.5, 2a प्लस n माइनस 1, मतलब 13-1 इंटू डी, कॉमन डिफरेंस इज 0.5। ऐसे टर्म्स आएंगे n/2, 2a प्लस n-1 इंटू डी,
पाई का वैल्यू उन्होंने बोला है 22/7 लो, ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 13/2। 0.5 इंटू 2 कितना होता है 1, प्लस यहाँ पे आएगा 13-1 इज 12, इंटू 0.5 क्या होता है हाफ, पैसे टर्म्स आ जाएंगे, दिस इज 22/7, 13/2 ब्रैकेट 1+6, क्योंकि 12/2 कितना होता है 6, ऐसे टर्म्स आएंगे। नाउ व्हिच इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे क्या क्या होगा, 22/7 है, फिर उसके बाद 13/2 मल्टीप्लाइड है, 6+1 7 है यहाँ पे, विच इज इक्वल टू 22/2 11, 13 तो है ही, 7 7 विल कैंसिल आउट, विल गेट 1। नाउ 13 इंटू 11, सो 13 इंटू 1 इज 13, 13 इंटू 1 इज 13, +1 143 सेंटीमीटर, ये है टोटल स्पाइरल का लेंथ।